हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। और आज एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि पतंग में कन्ने कैसे बांधे जाए। ठीक है, तो जैसे कि आज मेरा एक शौक हो रहा था, तो मैं वही छत से लड़ा रहा था, तो ये मंझोली पतंग है, एक देख सकते हैं मंझोली पतंग है। तो कन्ने किस तरह के होते हैं? कन्ने यूजली जो क्लब में लड़ाई जाती हैं पतंग, तीन तरह के कन्ने बांधे जाते हैं। तीन तरह की हवा के हिसाब से कन्ने बांधे जाते हैं। कभी हवा अगर मीडियम होती है तो मीडियम कन्ने बांधे जाते हैं, कभी तेज़ हवा होती है तो तेज़ हवा के लिए कन्ने बांधे जाते हैं, और कभी हल्की हवा होती है तो उसके लिए भी कन्ने बांधे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एक पतंग है, ठीक है, और बताऊंगा कि तीन कन्ने कैसे बांधे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक पतंग है और ये एक तीली है, ठीक है, तीली है, तो उससे मैं कन्ने बांधना बताऊंगा आपको। देख सकते हैं ये पतंग है, ये देखिए। तो पहले तो क्या कहते हैं, यहाँ पर छेद किया जाता है, जो कहते हैं चार खाने दिए गए होते हैं, मतलब यहाँ से छेद किया जाता है। इधर से पहली डोरी जो होती है वो पास की जाती है, यहाँ, ठीक है। ये देखिए दो छेद किए गए हैं ऊपर, यहाँ पर हमारी कन्ने बांधे जाएंगे। ठीक है, और देखिए अगर हवा तेज़ होती है, मान लीजिए हवा चल रही है 20 किलोमीटर पर आर से ऊपर, ठीक है, तब क्या करते हैं हम लोग, डेढ़ कन्नी बांधते हैं। डेढ़ कन्नी कितना होता है, सॉरी, डेढ़ कन्नी नहीं, डेढ़ कन्ने भी बांध सकते हैं, एक कन्ना भी बांध सकते हैं, मतलब एक अंगुल जितना आपका यहाँ हुआ, ठीक है, एक अंगुल और डेढ़ अंगुल जितना आपका आता है, मेरा हाथ बड़ा है तो एक अंगुल में ही आता है। ठीक है, तो ये कन्ने यहाँ बांधते हैं, ठीक है, ये ऐसे कन्ने बांध दिए जाते हैं अगर हवा 20 किलोमीटर पर आर से ऊपर की है। ठीक है, इसमें अगर आप एक कन्ने बांधते हैं, एक अंगुल का बांधते हैं, तो मतलब मान लीजिए आपकी पतंग कभी फटने नहीं वाली तेज़ हवा में। मान लीजिए हवा 10 किलोमीटर प्रति आर से 15 किलोमीटर प्रति आर तक है, ठीक है, 10 से 15 किलोमीटर प्रति आर तक है, तो एक ये लिया और एक का आधा, ठीक है, आधा इतना आया। और नॉर्मली यूजुअली जितने भी पतंगे होती हैं कन्ने यहीं बांधे जाते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब मान लीजिए हवा बहुत हल्की है, ठीक है, मान लीजिए हवा कम से कम है 10 किलोमीटर प्रति आर से कम की है, ठीक है, तब क्या करते हैं, कोई भी पतंग जो होती है, जैसे ये पतंग है, ये देख सकते हैं दो किनारे हैं इसके, तो यहाँ से आप क्या कहते हैं, एक सीधी लाइन लेके जाइएगा। ठीक है, सीधी लाइन जहाँ टच करे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ टच कर रही है, ये यहाँ से यहाँ की लाइन यहाँ टच कर रही है, ठीक है, तो उसके हल्का सा, कम से कम मान लीजिए 2 या 3 इंच, 2 इंच नीचे कन्ने बांध लीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बीच की लाइन गई, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए बीच की लाइन गई, तो 2 इंच यहाँ आ गया आपका, ठीक है, तो यहाँ आपने कन्ना बांध लिया, ठीक है, यहाँ आपने कन्ना बांध लिया, और इस तरह से आपका कन्ना बन जाएगा। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप दूर के पेच लड़ा रहे हैं, और मान लीजिए आपकी पतंग बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, यूजुअली जो दूर के पेच होते हैं उसमें क्या होता है कि पतंगे आपकी जानदार होनी चाहिए, ठीक है, उसकी कमानी और उसका ठड्डा दोनों काफ़ी टाइट होने चाहिए, लोहा लाट होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए नहीं है आपके पास और आप चाहते हैं लंबे लड़ाना, तब क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपकी ये पतंग है, ठीक है, मान लीजिए ये हो गई, हमने यहाँ जैसे यहाँ पत्ता लगा है, पत्ते के जस्ट ऊपर, ठीक है, यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ छेद करके आप लंबी दूरी की पतंग उड़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया पत्ते के जस्ट ऊपर, जैसे ये पत्ता है तो इसका जस्ट ऊपर यहाँ आया, यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ कन्ने बांध सकते हैं, तभी जब आपकी रेंज लड़ रही हो 1000 से 1500 मीटर, ठीक है, 1000 1500 मीटर लड़ रही हो और आपकी पतंग ज़्यादा लोड ना हो, ठीक है, तब आप यहाँ बांध सकते हैं अपनी पतंग में लोड लाने के लिए, और वो पतंग
नॉर्मल लटदार पतंगे बराबर चलेगी। ठीक है, तो टोटली मैंने आज तक आपको चार तरह करने बताए। पहला तेज़ हवा करना, दूसरा मीडियम हवा का, ठीक है, तीसरा जब क्या कहते हैं हवा बहुत कम हो, ठीक है, इस तब हवा जो पतंग की गुलाई होती है, गुलाई सीधी आप लाइन खींचेंगे उसके 2 इंच नीचे, तो ठीक है 2 इंच नीचे यहाँ गया। और लास्ट करना जो था, जो मैंने आपको पत्ते के ऊपर बताया था, ये तब होता है जब क्या कहते हैं आपके पेज 1000 और 1500 मीटर पर लड़ रहे हैं और आपके पास कोई लठ पतंगे ना हो। ये आप अगर कैसा करना बांधेंगे तो पतंग में बहुत वेट होगा और 1000 1500 मीटर से ऊपर से ही क्या कहते हैं इसको पतंग लड़ाएं, और ये थपकी पतंग लड़ेगी, समझे, थपकी और फंस की पतंग लड़ती है यानी जो 1000 1500 मीटर पे लड़ेगी। ठीक है, चलिए वीडियो ये समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ बने रहेंगे आप लोग, और जय श्री राम और जय हिंद।